Hey guys, I am your host Chinmay and you have clicked on Clutch Up News Video. आज मैं आपको ऐसी एक प्रीमियम सुजुकी की बाइक के बारे में बताना चाहता हूँ जो इंडिया में फाइनली लॉन्च कर दी गई है. जी हाँ, ये एक प्रीमियम बाइक है जो सुजुकी की काफ़ी फ्लैगशिप और एक आइकॉनिक मॉडल है जो इंडिया में काफ़ी सालों से नहीं थी. इस बाइक के बारे में जानने से पहले वीडियो के नीचे का सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए ताकि ऐसे सारे वीडियोस आपके न्यूज़ फीड पे आते रहे. चलिए शुरू करते हैं. आज हम बात कर रहे हैं सुजुकी कटाना के बारे में. ये एक 1000 cc की बाइक है जो सुजुकी का एक ऐसा मॉडल है जो पूरे दुनिया में फेमस है. ये काफ़ी सारे मूवीज़ में यूज़ किया गया है और कटाना नाम बोलते ही लोगों को पता चल जाता है कि ये एक सुजुकी का मॉडल है. सुजुकी ने फाइनली इस बाइक को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, पर इसकी एक शोरूम प्राइस है 13.61 lakhs. तो जब आप इसे ऑन रोड खरीदने जाते हो तो इस बाइक की कॉस्ट हो जाती है 16 लाख के आसपास. अब 16 लाख की बात यह है कि जब आप इस सेगमेंट में चले जाते हो तब बाइक्स को फीचर्स के साथ कंपेयर नहीं किया जाता, ताकि 16 लाख की प्राइस है तो फीचर इतने होने चाहिए. नहीं, ये प्राइस रेंज में ऐसा देखा जाता है कि कुछ बाइक्स में फ्यूल गेज भी नहीं आता. तो यहाँ पे बाइक्स जो है वो स्टेटस सिंबल के लिए खरीदी जाती है. इस बात को टैकल करने के लिए ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ. इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बाइक्स बताऊंगा जो सुजुकी कटाना के लेवल की है. पहली बाइक इस लिस्ट में है कावासाकी की वर्सेस 1000. ये एक स्पोर्ट्स टूरर है. तो स्पोर्ट्स टूरर में होता है एक स्पोर्ट्स बाइक का इंजन जिसे इतना कंफर्टेबल पैकेज में रख दिया जाता है कि आप 1000-2000 किलोमीटर की टूर्स इस पर आराम से कर लेते हो. तो जो वर्सेस 1000 है वो 120 bhp का पावर आपको देती है और 102 Nm का टॉर्क देती है. अभी ये सुजुकी कटाना से थोड़ा सा कम है, बट देन इसकी प्राइस भी यहाँ पे कम हो जाती है. एट 12 लाख ये बाइक आपको एक्स शोरूम प्राइस में मिल जाती है. तो अप्रॉक्सीमेटली आपको ये बाइक पड़ेगी अराउंड 14-15 लाख के आसपास. दूसरी बाइक इस लिस्ट में आती है हार्ली डेविडसन की 48. हार्ली डेविडसन की 48 एक ऐसी बाइक है जो लुक्स वाइज काफ़ी मस्कुलर बट एट द सेम टाइम स्लिम है. तो इसकी जो टैंक है उसको हार्ली ने छोटा कर दिया है. इट्स नाउ 7.9 लीटर. तो 8 लीटर के अराउंड आपको इसका फ्यूल आ जाता है. ये 1200 cc की बाइक है तो 8 लीटर के फ्यूल के साथ आप ज़्यादा दूर तो नहीं जा रहे हो. और इसकी प्राइस आपको एक्सशोरूम आ जाती है 13.49 lakhs. बट जो लुक्स आपको मिलते हैं, जो स्टेटस आपको मिलता है वो काफ़ी अच्छा है. हार्ली के साथ आपको एक साउंड का भी एक अच्छा पैकेज मिल जाता है विदाउट एन एडिशनल एग्जॉस्ट. थर्ड बाइक इस लिस्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है 600 cc की एप्रिलिया RS660. अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो सारी 1000 के ऊपर की बाइक्स है, तो फिर ये 600 cc की बाइक इतनी महंगी कैसे प्राइस करती. तो पहले बता दूँ ये बाइक 13.39 lakhs पे आती है. तो अगर आप उसका ऑन रोड प्राइस देखने जाओगे तो कुछ 15 लाख के आसपास चला जाएगा. पर इसका जो 600 cc का इंजन है वो इतना पावरफुल है कि वो 100 bhp और 67 Nm का टॉर्क बना देता है. और ये सारा आपको एक 183 kgs के बाइक में मिलता है. तो इतनी पावर इतने कम वेट में इस बाइक को इतने प्राइस के काबिल बना देता है. ऑल्सो एक और बात, ये बाइक एक इटालियन बाइक है. तो अगर आप देखोगे इटालियन बाइक्स दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल होती है, तो इस डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट का आपको वो 13.39 lakhs का प्राइस टैग मिलता है. काफ़ी सारी ऐसी इटालियन बाइक्स है जो लोग कहते हैं कि सिर्फ आपके लिविंग रूम में रखने के लिए, वो आप कभी नहीं चलाओगे तो भी चलेगा, बट उसे बस आप शो के लिए आपके घर पे रखोगे तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है. ये एक अलग माइंडसेट है. इसे समझने के लिए आपको उस लेवल के लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, तभी आपको जाके पता चलेगा. इस लिस्ट पे फोर्थ जो बाइक आती है वो आपको काफ़ी लोगों को पसंद है जो मुंबई कर निखिल चलाते थे, द टाइगर 900. टाइगर 900 आपको एक 14.35 lakhs तक आती है. तो आपको इसकी प्राइस तो काफ़ी 16 लाख के ऊपर ऑन रोड चली जाएगी. बट जो 900 है उसके दो वर्जन आते हैं, एक रैली आता है और एक GT आता है. तो ये बाइक को लेके आप
ऑफ रोडिंग करने जा सकते हो। इसका जो 900 सीसी का इंजन है वो काफ़ी टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 87 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बाइक होगी कुछ 200 किलो के आसपास, तो जो ऑफ रोडिंग का मजा है इस बाइक पे काफ़ी अच्छा है। और जो टाइगर की एक ऐसी बात है कि ये बाइक ना थोड़ी सी टॉप हैवी फील करती है। जो अभी वाले अपडेट में है उन्होंने वो इंजन का फायरिंग ऑर्डर चेंज कर दिया है, जिसके वजह से बाइक का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो फील है, जो जिस तरीके से बाइक पावर डिलीवर करती है, वो काफ़ी चेंज हो गई है। लास्ट बाइक ऑन दिस लिस्ट इज माय फेवरेट बाइक, द डुकाटी हाइपरमोटा 950। ये मेरी एक ड्रीम बाइक है। इसकी प्राइस 14 लाख के आसपास आती है। जो बेस मॉडल है उसकी प्राइस 14 लाख है, तो आपको ये बाइक अराउंड 16 लाख ऑन रोड तक जाएगी। और जिस तरीके से ये बाइक लुक्स है, बाइक के लुक्स है, ये बाइक आपको दिखने में जितनी मस्त दिख रही है उतनी ही वो फास्ट है, उतनी ही वो एजाइल है। तो आप जब भी इस बाइक को चलाओगे तभी आपको ऐसा लगेगा कि आप एक एक्शन हीरो हो जो एक्शन मूवी में कहीं चेस कर रहा है या फिर ऐसा कुछ। ये बाइक एकदम लाइट है, बट इसका जो 933 सीसी का इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा पावर बना देता है, और 14 लाख के लिए टोटली वर्थ इट है। जो लुक्स आपको इससे मिलते हैं, आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि ये बाइक लेके मैं बाहर निकला हूँ और कोई मेरे पास देख नहीं रहा। तो ये थी लिस्ट जो बाइक सुजुकी कटारा के लेवल पे है, जहाँ जिन्हें हम स्टेटस बाइक्स के नाम से जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक क्लिक करना, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि और ऐसे वीडियोज़ आपके न्यूज़ फीड पे आते रहें। चलिए, बाय।